अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए किरोन प्लस्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल का तरीका और इसमें कितने पीसीज होते हैं और इसकी प्राइस क्या है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके अंदर 5 पीसीज होते हैं, ये मेड इन चाइना है और इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। अब ये बताती जो कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पाँव के नीचे किरोन बन जाते हैं, जो कील टाइप महसूस होता है उसमें, और इससे रिमूव करने के लिए ये प्लास्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आप लोगों को बताती जाऊँ तो हमने इसे उस किरोन के ऊपर लगाने, इसमें एक छोटी सी मेडिसिन होगी, उस मेडिसिन को किरोन के ऊपर रखना है और इसे अपने पाँव का ऊपर लगा लेना है। और जब तक ये खुद नहीं उतरेगा, आपने खुद ही से इसको नहीं उतारना, ये खुद उतर जाएगा। उसके बाद हमें 5 मिनट तक गर्म पानी में अपने पाँव को रखना है और उसके बाद ब्लैक स्टोन से अपने पाँव पे थोड़ा सा रब करना है और उसके बाद ड्यू फ्लेम एक मेडिसिन है उसको उसके ऊपर लगा लेना है। ये इस टाइप का कुछ है और लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर से इस स्ट्रिप को उतार लेना है। उसके बाद हमने जो ये किरोन आपको नज़र आ ही रहा होगा, आम अल्फाज में लोग इसे चंडी भी कहते हैं, और आप लोग को लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। ये मेडिसिन आपको नज़र आ ही रही होगी, इस किरोन के ऊपर हमने इस मेडिसिन को रखना है और इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।